हे गाइस, हमें राजा आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल एटीसी वर्ल्ड में। आपको बताने वाले हैं अभी कि किस तरह से जो है आप एनएसपी का अगर फॉर्म भरे होंगे आप किसी भी क्लास के लिए, तो आप उसका स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे। बहुत सारा फॉर्म ऐसा है जो कि रिजेक्ट हो रहा है, बहुत लोगों का रिजेक्ट हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। जो रिजेक्ट होने का मेन कारण है कि एप्लीकेशन जो है वो पहले जो वेरीफाइड होता है वो कॉलेज से स्कूल से होता है। तो आइए हम इस वीडियो में आपको चेक करके बताएंगे कि किस तरह से आप चेक कर पाइएगा कि नेशनल स्कॉलरशिप 2020-21 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो रहा है, या फिर आपका रिजेक्ट हुआ है, या फिर आपका सिलेक्शन वहाँ पे मतलब वहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। तो ये बिना कोई देरी हम शुरू करते हैं, लेकिन बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए चैनल के लिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना कोई देरी के। लेकिन देरी करने से पहले वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे थंबनेल बनाया हूँ नेशनल स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे चेक करें। यहाँ पे मैंने एरो डाल दिया रिजेक्टेड, जो ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एप्लीकेशन रिजेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो चुका है। आपको एनएसपी के साइट पे आना है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपने बोनाफाइड अपलोड करके सबमिट कर दिया है और आपने सारा कुछ जाके कॉलेज में जमा कर दिया है, अब आपको यहाँ पे जो है आपका जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे चेक करिएगा ये आपको हम बताते हैं बिना कोई देरी के। यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको डाल देना है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो डाल दीजिए। उसके बाद आप जो है, उसके बाद डालने के बाद आपका जो पासवर्ड होगा, पासवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे। आप कहेंगे कि अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन नीचे दिया हुआ है फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी और नीचे पासवर्ड, तो आप वहाँ से डाल के वो भी कर सकते हैं। आइए क्या करते हैं, आप आपको दिखाते हैं किस तरह से जो है आप नॉर्मली। अब यहाँ पे आपको मेथड से करके बताएंगे। आपको यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है वो डाल देना है। उसके बाद डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा जो भी आपका आता है कैप्चा डाल दीजिए। एक चीज आपको मैं एकदम क्लियर कर दूँ, कैप्चा सब जो है इसमें थोड़ा सा अल्टर टाइप का आता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, आराम से डाल देना है। और उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। करने के बाद ये मेरा पोर्टल लॉगिन हो जाता है। यहाँ इस तरह का कुछ इस तरह का लॉगिन हो गया। अब लॉगिन जो हो गया तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का आता है। तो यहाँ पे तो एक चीज़ आपको दिख गया, यहाँ पे नाम आ गया और यहाँ पे ये चीज़ आ गया। लेकिन मैं कुछ क्लियर कर दूँ यहाँ पे, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं चीज़ दिखा देता हूँ आपको। इस कॉर्नर पे नीचे पे आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे में जो दिख रहा होगा आपको, आइए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस पेज को, नीचे में थोड़ा जूम और कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो ये जो रिकॉर्डर है वो यहाँ पे आ जा रहा है बीच में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरीफाइड बाय, यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। रिमार्क में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इशू स्टूडेंट हिंदू नो डॉक्यूमेंट सबमिट स्कूल रिजेक्टेड। देख सकते हैं आप इस कॉर्नर पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो देख रहे हैं। वेरिफिकेशन लॉग में दिखा आपको दिख रहा होगा कि राम क्या दिया हुआ है, रामदेव भजन है एचएस हाई स्कूल मैथ मुस्लिमी, जैसा देख रहा है मुस्लिमी जो भी है उसका डेट, जो वेरिफिकेशन का डेट है ये दिया हुआ है। और रिमार्क में दिया हुआ है स्टूडेंट इज हिंदू नो डॉक्यूमेंट सबमिटेड स्कूल, यानी कि जो इसमें है स्कूल में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करा। यहाँ पे एक्शन जो यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आप आइए यहाँ पे आने के बाद जब जाएगा, एक चीज आपको यहाँ पे कॉर्नर पे दी जाएगा एप्लीकेशन एड्रेस के नीचे में चेक योर एप्लीकेशन एड्रेस, जैसे ऐसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एप्लीकेशन इज परमानेंटली रिजेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ से ये रिजेक्ट हो चुका है और आपको पैसा कौड़ी नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से आप लॉग इन करके चेकआउट कर लेंगे। आप ये आप जिसका वहाँ से परमानेंटली वहाँ से वेरीफाइड कर दिया गया, तो वहाँ पर लिखाता है कि योर एप्लीकेशन इज परमानेंटली वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट, बस यहाँ पे एक चीज चेंज रहेगा वेरीफाइड। तो ये फिलहाल रिजेक्ट हो चुका है, ये 2020-21 का था। अब रही बात कि आप उसको लॉगिन कैसे करना है, तो लॉगिन करने के मैं आइडिया बता देता हूँ आपको। एनएसपी पे जाना है, वहाँ पे जो साइट है इसका एनएसपी का, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, या देखिए नीचे में यहाँ पे दिख रहा होगा ये इस कॉर्नर पे, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो पास जो एप्लीकेशन आईडी होगा वो डाल देना है। कितने लगेगा लॉगिन, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, जो कि उसी वही आपका पासवर्ड होगा, उसको डालने के बाद आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपना नेशनल स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका रिजेक्ट हुआ या फिर नहीं। दोस्तों बिल्कुल चेकआउट कर लीजिए, अगर आपने अप्लाई किया है तो बिल्कुल चेक कीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ या नहीं। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए इस तरह के अपडेट चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं, लव यू।